नमस्कार, आपका स्वागत है तेज खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्राची। रीवा शहर से लापता युवक का नहर में शव मिलने के बाद परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए अस्पताल के गेट के सामने हंगामा कर दिया। पुलिस द्वारा समझाइश देकर मामले को शांत कराया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक विषय थाने के सिलपरा नहर में शनिवार की सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिला था। बताया गया है कि युवक का शव गोविंदगढ़ की तरफ से पानी में बहते हुए सिलपरा नहर पहुंचा। पुलिस ने गोताखोरों की टीम बुलाकर नहर में शव को बाहर निकलवाया। बाद में युवक की पहचान संदीप जायसवाल, पिता रवि जायसवाल, उम्र 30 वर्ष, निवासी कटरा थाना सिटी कोतवाली के रूप में हो गई है। और एक और कोई चीज ज्ञानदीप सोनी, आपको तो है नंबर है, वहाँ भी है, थाने में भी अभी हम मतलब देख के आए हैं। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की शाम घर से संदीप निकला था, जिसके बाद वह लापता हो गया। रात में उसे खोजने का प्रयास किया गया लेकिन पता नहीं चला। युवक के शरीर में चोट के किसी प्रकार के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है। वहीं युवक की हत्या का आरोप लगाकर परिजनों ने बीती रात तकरीबन 9 बजे संजय गांधी अस्पताल गेट के सामने हंगामा किया। जी बताइए, क्या घटना घट गई? आप घटना ये घट गई कि हमारा मित्र जो है वो एक्सपायर हो गया, सुबह मिली लाश है ना। हमने जब हर चीज पोस्टमार्टम वगैरह सब कर लिया, फिर इसके बाद हमको ये हुआ कि भाई वो लास्ट लोकेशन उसकी जो थी किसी मित्र के साथ है ना, कहाँ पे मिली? धुबिया टंकी मिली, रात के 8:30 से 9:30 के बीच में, ठीक ना। जब हम थाना में गए कि हमको यहाँ का CCTV फुटेज चाहिए, तो पहले बोला गया कि भाई आप सुबह देखना, रात में नहीं होगा ऐसा वैसा। फिर प्रेशराइज के बाद, प्रेशर करने के बाद, फिर उन्होंने एक आवेदन बना के मुझको दिया कि आप जाइए देखिए। एक थाना से एक हवलदार गए थे, बिछिया से एक कंट्रोल रूम गए थे है ना। वहाँ जाके देखा ना, तो धुबिया टंकी का फुटेज चल रहा है, सरकारी जो कैमरा है ना, धुबिया टंकी का चल रहा है, और ना ही बिछिया थाने का चल रहा है। जो भी चेक किया उन्होंने बिछिया का, ये नहीं पता किस लोकेशन का किया, बिछिया का किया था है ना, ना ही SF चौराहे का कैमरा चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये सरकारी कैमरे ही बंद हैं, तो फिर हमारे साथ जो हमारे साथ भी घटना हुई है, फिर दूसरे के साथ होगी, तो इसको सुधार किया जाए। और हमारे साथ हमारी जांच कैसे होगी, इसके लिए आप विवरण करिए, कार्रवाई करिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा दोस्त से तैरते बनता था, हर चीज बनती थी, वो कैसे पानी में डूब के मर सकता है अकेले बिछी वहाँ, और रात में वो बिछी वहाँ करने क्या जाएगा, जब सारे दोस्त उसके मोहल्ले पे रहते हैं, सुहाग स्टोर पे रहते हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ जाके करेगा क्या वो? वहाँ पे पैसे का लेन देन का हम लोगों में किसी का नहीं है, ना ही सुहाग स्टोर में किसी का है। मृतक का संदीप अग्रवाल, अजय अग्रवाल, वो समोसे का काम करता था, मतलब उसकी मम्मी बनाती थी, वो बेचता था, बाकी पार्ट टाइम पे कहीं कलेक्ट्रेट का किसी का काम करा दिया, कहीं नगर निगम का किसी का काम करा दिया, 100-200 रुपए मिल जाता था, इसी से उसकी रोजी रोटी चल रही है। ये कल रात को नौ बजे को देखा गया है, और सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच। क्या बोल रही है अभी प्रशासन? संतुष्टि दे रही, बस हो गया, बाकी और कोई सवाल जवाब नहीं। अब हम यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो पूरी, उसकी जाँच हो। अब बोल रही है कि करेंगे, अब कैसे करेंगे, अब ये देखें भाई, CCTV फुटेज तो बंद ही है। मेरा नाम अविनाश ताम्रकार। परिजनों का आरोप है कि युवक को सुनियोजित तरीके से वहां ले जाया गया जहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस शहर में लगे CCTV कैमरे को चेक करवाए तो वास्तविकता सामने आ जाएगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाइश देकर शांत कराया और उन्हें घटना की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, युवक किन परिस्थितियों में वहां पहुंचा इसका पता लगाया जा रहा है।
सकती है और कुछ परिजन आरोप लगा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा भी नहीं चल रहा है। जी हाँ, एक अभी करीब 10-11 बजे के आसपास जो है एक बॉडी जो है गोविंदगढ़ तरफ से नहर में बहती हुई आई थी, जिसको जो है अपने सिलपरा पावर प्लांट के पास जो है उसको निकाला गया है, निकाल कर सुरक्षित एसजी में लाया गया था और उसका पीएम बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है, क्योंकि परिजनों के जो दोस्त थे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, तो फुटेज शायद अभी देखना नहीं मिल पाए हैं और अगर जो भी होता है तो उनको दिखवा भी जाएगा और उसकी जांच ऐसी की जाएगी जो है क्लियर हो जाए और वो संतुष्ट हो जाए परिजन। क्या माना जा रहा प्रथम दृश्य में घटना का? प्रथम दृष्टा यह है कि चूंकि रूटन में निकला हुआ बंदा है, मोटरसाइकिल उसके पास थी नहीं, तो उसको जाने का कारण क्लियर हो जाए एक बार कि किस कारण से वहाँ पहुँचा है या क्या कोई बातचीत किसी के साथ हुई है या परिजनों में कोई मतभेद हुआ है, ऐसा कोई एक पॉइंट क्लियर हो जाए तो आगे की कार्रवाई की जाए। बहुत अच्छा।